तो पुजारी जी, आप थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में? यहाँ नंदी महाराज को रख के यहाँ से जो है शिव जी महाराज और माता पार्वती अमरनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 18 फरवरी, और अभी भी मैं पहलगाम हूँ, और पहलगाम से जस्ट अभी निकल रहा हूँ। साइकिल को पैक कर लिया, पूरा रेडी कर लिया, और मैं भी रेडी हो गया हूँ। मत्था टेक लिया है भोले बाबा के पास में। और ये मंदिर भाई बहुत खूबसूरत है। जब अमरनाथ की यात्रा होती है तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, और पूरा बर्फ़ भी पड़ा हुआ चारों तरफ में, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? साइकिल में यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई। एक्स्ट्रा क्या है कि मेरा जो जूते है ना पुराने वाले, इसमें रख लिया है, और बाकी खाने का कुछ सामान लिया था वो भी, और बाकी ये जो ये है ना साईं बाबा के वहाँ से लिया था, तो इसको इसमें मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। बाकी चलते हैं, निकलते हैं। ग्लव्स अभी पहन रहा हूँ इसलिए बाहर निकाल लिया है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने चेक कर लिया था कमरे में। ये कमरा था जहाँ पर मैं रह रहा था, सामने ये सामने के नज़ारे हैं, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, है ना। आज अनंतनाग का मेरा टारगेट है कि आज मैं अनंतनाग में रुकूंगा, और कल फिर मैं श्रीनगर जाऊंगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ, ठीक है? चलते फिर, आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो टेम्पल है इसी में मैं रह रहा था, तो अभी पुजारी जी यहाँ पर आ चुके हैं, और इनसे थोड़ा सा भी बात करेंगे। फिलहाल पहले मंदिर थोड़ा सा देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं, फिर थोड़ा पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में जानेंगे। और इस मंदिर का नाम है श्री गौरी शंकर मंदिर, जो कि यहाँ से अमरनाथ की यात्रा होती है जब, तो बहुत सारे यहाँ पर यात्री होते हैं जो यहीं पर ठहरे हुए होते हैं। बहुत अच्छा है, उसमें बहुत भीड़ भाड़ होता है और बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग अमरनाथ गए हुए हैं उनको पता होगा, पहला जो ठहराव होता है पहला यहीं पर होता है। छोटा सा बोर्ड ये है, और एक ये बोर्ड है श्री गौरी शंकर टेम्पल, और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है? पढ़ लेना आप लोगों ने। तो ऐसा गेट है छोटा सा, बाकी जब अमरनाथ यात्रा होती है उस टाइम पर प्रॉपर ये खुला होता है। और देखो मैं दिखाता हूँ, सामने का मंदिर है, और पूरे में देखो बर्फ़ जमी पड़ी है चारों तरफ, यहाँ से वहाँ तक पूरे में बर्फ़ जमी पड़ी है। और छोटा सा ये दाईं तरफ आके भोले बाबा का मंदिर मिलता है ऐसा करके, और सामने एक बड़ा सा मंदिर है यहाँ पर, बाकी पूरे में ऐसे बर्फ़ जमी पड़ी है। तो ये ऐसा करके यहाँ पर कुछ एंट्री होता है, ठीक है? और ये भोले बाबा का मंदिर है, और एक पुजारी जी बैठे हुए हैं। जय भोले बाबा की, पुजारी जी। तो पुजारी जी, आप थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में, ये कब से चालू हुआ है, और क्या इसके पीछे का रहस्य है, क्या इतिहास है? इसका इतिहास है भगवान शंकर और माता पार्वती जी पूरा परिवार लेके अमरनाथ की अमर कथा करने के लिए जा रहे थे। अच्छा, तो पहले जो है पहला पड़ाव, पहला स्थान जो उनका ये है, इसका नाम पहलगाम, इसका नाम असली में बहलगाम। तो चलते चलते महाराज दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, वहाँ चंदनवाड़ी कहते हैं, वहाँ चंद्रमा जी को विराजमान किया। उसके बाद तीसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं, तो तीसरे पड़ाव में शेषनाग महाराज जी को विराजमान कर दिए। चौथे पड़ाव में गणेश महाराज को विराजमान कर दिए। पांचवें पड़ाव में जहाँ पंचतरणी कहते हैं, वहाँ पांच तत्व छोड़ी, पांच माताओं का निर्माण करवाया, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, वगैरह। तो उन पांच माताओं को वहाँ निर्माण करवा के उसके बाद जो है शिव जी महाराज और माता पार्वती अमरनाथ के लिए, अमर कथा के लिए निकले। तो पहुंच जाते हैं अमर गुफा के पास। तो कथा ये कब की, उनकी जिंदगी की, रक्षाबंधन का जो दिन होता है, रक्षाबंधन के दिन ये कथा समाप्त होती है। यानी कि रक्षाबंधन के अगले दिन शिव जी भोले बाबा ने माता को कथा सुनाना शुरू किया। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह था, तो जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी महाराज ने माता से पूछा कि आपने ये कथा सुनी?
तो माता ने कहा, महाराज मैंने आधी कथा सुनी, आधी कथा मैंने नहीं सुनी, क्योंकि हम पैदल यात्रा करके आ रहे थे, इसलिए थकावट हो गई और आपकी कथा का जो है आनंद आ गया, सुनते सुनते जो है हमें नींद आ गई, सो गए, आधी कथा सुनी। तो फिर भोले बाबा जी कहते हैं कि अगर आपने पूरी नहीं सुनी तो फिर यहाँ और कौन था सुनने वाला, जो आपकी जगह हूँ हूँ की आवाज़ आ रही थी वो कौन। तो फिर भोले बाबा जब इधर उधर देखते हैं तो गुफा के सामने नजर पड़ती है, वहाँ दो कबूतर बैठे होते हैं शिव और पार्वती के रूप में। तो फिर भोले बाबा ने कहा कि जो है आप अमर रहेंगे, उनको वरदान दिया कि जो भी भगत आएगा वो आपके दर्शन करेगा और दर्शन करके उसके सारे दर्शन जो है पाप कट जाएंगे और एक में शिव जी महाराज का दर्शन होगा, एक में माता पार्वती का दर्शन होगा। तो वो कबूतरों के दर्शन जो है अमरनाथ जी के वो है, और हर हर महादेव, भगवान सबका कल्याण करे, सबको संतुष्टि रखे, हर हर महादेव। पुजारी जी, अच्छा पुजारी जी कुछ प्रश्न हैं आपसे कि जब अमरनाथ गुफा के लिए जब यात्रा शुरू होती है तो कौन से महीने में चालू होती है? ये जो सावन का महीना होता है, हाँ जी, सावन के पूर्णिमा से लेके भादु की पूर्णिमा आती है जो, तो यानी कि सावन के महीने में यात्रा चलती है और रक्षाबंधन के दिन जो वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो उसमें जो सारे तीर्थ यात्री होते हैं यहीं पर ठहरे हुए होते हैं, पहला जो उनका ठहराव होता है यहीं से शुरू होता है, वहाँ उनका लिए जो है यात्री व्यवस्था पहले से स्टार्टिंग हो जाती है, एक महीने से डेढ़ महीने से पहले शुरू हो जाएगी। हाँ जी, तो जो भी भक्तगण आएगा उनको कोई परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेवा कर लगे होते हैं यहाँ से लेकर पूरे अपने जम्मू से लेकर भोले बाबा के दरबार तक, अमरनाथ तक, भंडारे वगैरह सेवाकार, तो हर एक सिस्टम लगा होता है, परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन भोले बाबा जी यात्रा को बंद करते हैं दूसरे सावन तक। तो ये जो मंदिर बना है हमारा, ये हमारे जो जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह थे, ये मंदिर उन्होंने निर्माण करवाया था, और भी कई मंदिर बनाए हमारे कश्मीर में उन्होंने, जो अभी भी सर्वशक्तिमान मंदिर है। ठीक है पुजारी जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जय भोले बाबा की। दोस्तों, आपने पुजारी जी से यहाँ के मंदिर के रहस्य के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से जाना आपने, और जब अमरनाथ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है तो बहुत सारा यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, यहाँ पर भोज चलता रहता है, तो बहुत सारा है। मैं तो कभी आया लेकिन मैं कभी आना चाहूँगा कि सावन के महीने में एक बार यहाँ पर अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहता हूँ, देखते हैं क्या बातें। बाकी पुजारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले बाबा की। तो यहीं पर मैं फिलहाल अभी बाबा के यहाँ पर अभी रह रहा हूँ, एक छोटा सा कमरा जो कि मुझे मिल गया था, और पुजारी जी ने मुझे रिक्वेस्ट करके पुलिस अंकल से बात करवा के यहाँ पर मुझे कमरा दिलवाया था, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। ठीक है, जय भोले बाबा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।